पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाले कोरोना वायरस ने अब भारत में भी कहर मचा रखा है। एक के बाद एक कुल 31 मामले सामने आने के बाद इंडिया अब हाई अलर्ट पर है, क्योंकि चीन समेत बाकी पीड़ित देशों के हालात बताते हैं कि ये जंग बड़ी और मुश्किल होने वाली है। अब तक 97 देशों में फैल चुका ये रहस्यमय वायरस 3500 लोगों की जान ले चुका है और 1,00,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं, और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। तैयारी की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है फेस मास्क। पूरी दुनिया समेत भारत में भी मास्क की कमी हो गई है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट से मास्क के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दी है। 100 से 150 रुपए में बिकने वाला मास्क 500 से 700 रुपए तक बिक रहा है, और हालात यही रहे तो इसको देखते हुए कीमत और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि खेल सारा डिमांड एंड सप्लाई का है। भारत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए कहा कि अगर कोई मास्क की बल्क स्टोर करता पाया गया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मास्क की मारामारी के साथ ही मास्क के इफेक्टिवनेस पर अटकलें लग रही है कि मास्क इफेक्टिव है कि नहीं, जरूरत पड़ने पे कौन सा मास्क खरीदा जाए, मास्क किसको पहनना चाहिए, जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उसको, या फिर जो कोरोना वायरस से अपना बचाव करना चाहता है उसको। इन सभी सवालों के डिटेल्स में सिंपल भाषा में जवाब दूंगी। बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट के बिना ये वीडियोस बनाना मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। दरअसल कोरोना वायरस एयरबोर्न वायरस है, यानी कि ये हवा से फैलता है। संक्रमित लोगों के खांसने और छींकने से वायरस दूसरे व्यक्ति के अंदर सांस से जा सकता है। दूसरा जरिया ये है कि जब ये वायरस किसी सरफेस पर गिरे और उसको हम अपने हाथों से छू लें और बिना हाथ धोए अपनी आंख, नाक और मुंह के पास उसको ले आए, तो भी ये वायरस से हम संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में दोहराती हूँ कि आप अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली धोएं, अच्छे से कम 20 सेकंड लगा के धोएं, या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करें। अब सवाल आता है कि क्या हमें मास्क लगाना जरूरी है? देखिए, उसके लिए अलग अलग देशों में सरकारों की अलग अलग एडवाइसेज हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वहां कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है। इंडिया में क्योंकि अभी पैनिक सिचुएशन नहीं है तो सबको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। घरों में या फिर अपने ऑफिसेज में, जहां आप अपने जानने वालों के साथ काम करते हैं और आपके कुलीग्स और आपके बीच में 1 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस रहता है, तो फेस मास्क की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सभी लोग जिनकी दिन भर पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है, जैसे कि अगर आप बैंक में काम करते हैं, दुकानदार हैं, ट्रेन बस के कंडक्टर या टिकट चेकर हैं, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो ट्रेन या बस से सफर कर रहे हैं, तो मास्क पहनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ना जाने कौन कोरोना वायरस से संक्रमित आपके संपर्क में आ जाए और आप भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए। इस समय भारत में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं, जानने से पहले ये देख लेते हैं कि कितने प्रकार के मास्क होते हैं। ऐसे तो बहुत टाइप के मास्क होते हैं, सर्जिकल, N सीरीज के N95, 99 और 100, R सीरीज के R95, P सीरीज के P9500। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि डस्ट, स्मोक, बैक्टीरिया या फिर वायरस को वो मास्क कितने परसेंट तक रोक सकता है। इसका सीधा सा मतलब है, जितना बड़ा नंबर उतनी अच्छी रोकथाम और उतना ही महंगा। लेकिन वीडियो को छोटा रखने के लिए मास्क के टाइप्स के डिटेल में ना जाकर कोरोना वायरस से रिलेटेड इस समय इस्तेमाल हो रहे मास्क की ही बात करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं सर्जिकल फेस मास्क की। देखिए, एक आते हैं सिंगल यूज स्टैंडर्ड सर्जिकल फेस मास्क, जो आपने डॉक्टर्स को पहने हुए देखा होगा ऑपरेशन थिएटर्स में या फिर उनकी क्लिनिक्स में। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि जो सर्जिकल फेस मास्क हैं, वो कोरोना वायरस के संक्रमण को पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। उसका रीजन ये है कि ये मास्क पतले होते हैं और हमारे फेस पर टाइट ग्रिप नहीं बना पाते, जिससे कि वायरसेस माउथ के एरिया से एंटर कर सकते हैं। दूसरे जो इस्तेमाल में आ रहे हैं वो है N95 रेस्पिरेटर मास्क। ये N95 मास्क 95% तक पॉल्यूशन को फिल्टर करता है, जैसे कि डस्ट, बैक्टीरिया या वायरस। अगर आप शेप पर ध्यान दें तो इस N95 फेस मास्क की बनावट गोलाई में है। पिछले साल जब दिल्ली में पॉल्यूशन वाली दिक्कत हुई थी, तब ज्यादातर N95 फेस मास्क का ही इस्तेमाल किया गया था। सर्जिकल फेस मास्क के मुकाबले ये मोटा होता है, इसमें लेयरिंग ज्यादा होती है और फेस पर ग्रिप भी टाइट आती है, जिससे वायरसेस इजीली एंटर नहीं कर पाते। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, इस समय मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं। इन दोनों मास्क की अपनी यूटिलिटीज है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है।
N95 मास्क डेफिनेटली सर्जिकल मास्क से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर का फिल्टर सिस्टम अच्छा है और देखने में ही पता लग रहा है कि इसकी लेयरिंग भी थिक है। लेकिन N95 मास्क टाइट और थिक होने की वजह से लंबे समय तक पहनना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहता। जिन लोगों को सांस की दिक्कत है उनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है इसे इस्तेमाल करना। वहीं सर्जिकल मास्क की वायरस प्रोटेक्शन कवरेज ज्यादा नहीं है, पर एक चीज से ये हमें सेफ रखता है जो कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये मास्क पहनते हैं तो हम अपने हाथों को डायरेक्ट फेस, नोज, आईज को टच करने से बच जाते हैं और यही अपने आप को इस वायरस के संक्रमण से बचाने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन भी है। जैसा मैंने पहले कहा, दोनों मास्क की अपनी यूटिलिटी है, इसलिए सर्जिकल मास्क भी रिकमेंडेड है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। एक इम्पॉर्टेंट चीज और, मैंने अपने चैनल पर पोल यानी कि वोटिंग के लिए पोस्ट डाला हुआ है कि क्या मुझे अपने चैनल का नाम चेंज कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? अगर हाँ तो प्लीज कुछ नाम सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी तक 1100 से ज्यादा लोगों ने उस पोल में हिस्सा लिया और कमेंट्स के थ्रू अपने सुझाव भी दिए। जल्दी मैं अपने चैनल का नया नाम बताऊंगी। चैनल यही रहेगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बस नाम आशिमास किचन से अलग होगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।